अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को लाइक करें बिना बंद बिल्कुल भी ना करें। आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोल्ड $1730 चल रहा है। कल 1708 के आसपास का लो बनाया जब फेड ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन्फॉर्म किया कि दे विल नॉट बी इंटरेस्ट रेट, कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। मेन जो स्पाइक आया गोल्ड में वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया जब उन्होंने बताया कि वो उनका प्लान है कि जो इंटरेस्ट रेट है जो ऑलमोस्ट जीरो है, 2022 तक हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज ना हो, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक जबरदस्त उछाल आया। जिस वजह से ये एक सिंगल रीजन यही है कि गोल्ड 1730 चल रहा है, बिकॉज फेड चाहता है कि 2022 तक इंटरेस्ट रेट में कोई ज्यादा चेंज ना हो। इसका मतलब है वो एक समझ रहे हैं कि 2022 तक इकोनॉमी में एक अच्छा रिकवरी आ जाएगी, तब शायद कोई इंटरेस्ट रेट हाइक उनके हाथ में आए। उन्होंने ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, मॉर्गेज बैक्ड और बाकी कमर्शियल पेपर्स, उसको भी जारी रखा है और उसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। इसका मतलब अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि रिकवरी नहीं हुई है और 2022 तक ही एक जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का उनका जो इरादा है 2022 तक ही वो पूरा होगा। इस वजह से ही गोल्ड में एक अच्छी तेजी आई। अभी भी 1730 के आसपास चल रहा है। चलिए आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट है 1717 डॉलर। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 1742 डॉलर। गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1717 से नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो 1708 और 1700 तक जा सकता है, बट फिलहाल अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। चलिए सिल्वर देखते हैं। सिल्वर तकरीबन 1820 तक चली गई थी लेकिन वहां से नियरली क्रैश सी हो रही है। सिल्वर अभी 1785 के आसपास चल रही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सिल्वर का सपोर्ट है 1755 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 18.5 का। 18.5 से ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो 18.30 और 18.55 तक जा सकता है। 17.55 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो 17.30 और $17 तक जा सकता है। फिलहाल अभी सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 1755 तक ब्रेक नहीं हो रहा है, 1755 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं। क्रूड ऑयल नियरली $38 चल रहा है, 38.34 38.50 के आसपास प्रॉबेबली, तकरीबन 38.40। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। आज का सपोर्ट है 37.70 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 39.70 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 37.70 के नीचे जाएगा और सस्टेन करेगा तो मार्केट वीक हो जाएगा, बट फिलहाल अभी ट्रेंड पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। चलिए यूरो देख लेते हैं। MTX लेवल उस यूरो के बाद देखेंगे। यूरो 13.40 के आसपास चल रही है। वीक जोन में ऑलमोस्ट एंटर ही होने वाली है। बस ये यूरो का सपोर्ट है आज का 13.20 का। यूरो का रेजिस्टेंस है आज का 13.80 का। यूरो का ट्रेंड अभी फिलहाल जरूर पॉजिटिव है बट जैसे मैंने बताया 13.20 के नीचे निकलेगी और मार्केट सस्टेन किया तो मार्केट वीक हो जाएगा। चलिए MCX के लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड के लेवल देखते हैं। MCX में गोल्ड का सपोर्ट है आज का 46,900 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 47,410 का। MCX सिल्वर का सपोर्ट है आज का 48,200 का।
MCX सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 39,160 का, 49,160 मेरा मतलब है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 2840, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 3946। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे मैं लाइव अपडेट देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस जब चेंज होता है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन करना आप ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब कल वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।